नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ICICI लोम्बार्ड और HDFC अर्गो के बारे में। आज करेंगे दोनों का कंपैरिजन कि दोनों कंपनियां आपको क्या क्या फीचर देती हैं, क्या क्या बेनिफिट देती हैं, क्या क्या डिफरेंस है दोनों की पॉलिसीज में। जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो कौन सी कंपनी से कराएं, ICICI लोम्बार्ड से कराएं या फिर HDFC अर्गो से। बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह के वीडियो हम अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दोनों कंपनियों के फीचर्स के बारे में, कि दोनों कंपनी आपको क्या क्या फीचर देती हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या दोनों में डिफरेंस है। बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। तो ICICI लोम्बार्ड और फेयरफैक्स, ये दोनों कंपनी मिलकर इंडिया में काम करती हैं और जो ICICI लोम्बार्ड का बिजनेस चलाती हैं। वहीं अगर बात करते हैं HDFC अर्गो की, तो HDFC जो इंडियन कंपनी है और अर्गो इंटरनेशनल, ये दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में अपना कारोबार करती हैं। तो ICICI लोम्बार्ड को यहाँ दो कंपनी चला रही है और HDFC अर्गो को भी दो कंपनियां ही डील करती हैं। दोनों कंपनियों को कोलैबोरेशन है और दोनों कंपनियां मिलकर चलाती हैं। कैशलेस की बात करते हैं तो 12,000 से ज़्यादा आपको ICICI लोम्बार्ड का कैशलेस मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं HDFC अर्गो की, तो यहाँ आपको मिलने वाला है 8,200 से ज़्यादा। मतलब कैशलेस की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको आराम से मिल जाएगा। जीरो डेट की बात करते हैं, अप टू 7 ईयर्स आपको दोनों कंपनी देने वाली है। बात करें ICICI लोम्बार्ड की तो यहाँ भी 7 साल मिलेगा आपको। बात करें HDFC की तो यहाँ भी आपको 7 साल तक जीरो डेप मिलने वाला है। क्लेम सेटलमेंट की बात करते हैं तो 97% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपका ICICI लोम्बार्ड का है। वहीं अगर HDFC अर्गो की बात करें तो HDFC अर्गो में जो सेटलमेंट रेशियो है वो 99% के आसपास है। तो मतलब सबसे अच्छा सेटलमेंट रेशियो इसी कंपनी का माना जाता है, HDFC अर्गो को, तभी नंबर 1 कंपनी माना जाता है और इसीलिए इसको हमेशा ऊपर रखा जाता है सभी कंपनियों में। कवरेज की बात करते हैं तो कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी आप ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी के लिए ऑन डैमेज पॉलिसी ले सकते हैं और आप थर्ड पार्टी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। वही बात करते हैं HDFC अर्गो से, तो यहाँ भी सेम ही कंडीशन है, यहाँ से भी आप तीनों ऑप्शन ले सकते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी, ऑन डैमेज पॉलिसी और थर्ड पार्टी पॉलिसी। तीनों कवरेज आप अपनी गाड़ी के लिए यहाँ से परचेस कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो 2-व्हीलर हो, चाहे वो 4-व्हीलर हो, कोई भी व्हीकल हो, आप उससे आप अपनी गाड़ी के लिए, किसी भी व्हीकल के लिए कॉम्प्रेहेंसिव ऑन डैमेज थर्ड पार्टी इस कंपनी से ले सकते हैं। हम बात करते हैं एडोन की, एडोन आपको कौन कौन सी कंपनी क्या क्या देती है। तो अगर ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो आपको जीरो डेप मिल रहा है, कंज्यूमेबल कवर, इंजन कवर, रिटर्न टू इनवॉइस, टायर कवर, पर्सनल बिलोंगिंग, गैरेज कवर, की रिप्लेसमेंट, NCV प्रोटेक्शन, इसके अलावा EMI प्रोटेक्शन, पे एज यू ड्राइव, PA कवर, ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर। ICICI लोम्बार्ड में कवरेज की भरमार है और आपको बहुत सारे कवरेज मिलने वाले हैं, लगभग सभी तरह के कवरेज आप इस कंपनी से परचेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर HDFC की, तो थोड़े से कवरेज आपको HDFC में कम मिलते हैं। जीरो डैप आपको मिल जाएगा, कंज्यूमेबल कवर मिल जाएगा, इंजन कवर मिल जाएगा, रिटर्न टू इनवॉइस मिल जाएगा, टायर कवर आपको मिल जाएगा, रोड साइड असिस्टेंस मिल जाएगा, की रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, NCV प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको, इसके अलावा PA कवर, ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर। अब यहाँ थोड़े से कवरेज कम है, ICICI लोम्बार्ड में ज़्यादा है, लेकिन अब डिफरेंस कितना है देखो। यहाँ आपको पे एज यू ड्राइव मिलता है ICICI लोम्बार्ड में, लेकिन HDFC अर्गो में अभी फिलहाल नहीं मिल रहा, लेकिन आगे जाके मिलेगा। बात करते हैं EMI प्रोटेक्शन की, तो EMI प्रोटेक्शन आपको ICICI लोम्बार्ड में मिल रहा है, लेकिन HDFC अर्गो में EMI प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जैसे गैरेज कैश कवर है, तो ये भी आपको ICICI लोम्बार्ड में मिल रहा है, आपको HDFC अर्गो में नहीं मिल रहा। तो 2-3 चीज़ों का डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। दोनों ही कंपनी बढ़िया है, लेकिन अगर फीचर्स के मामले में बात करें तो ICICI लोम्बार्ड आपको ज़्यादा फीचर्स देता है, ज़्यादा कैशलेस अवेलेबल है ICICI लोम्बार्ड का, HDFC का कम है। लेकिन अगर कंपनी की सर्विसेज के बारे में अगर बात करें तो HDFC नंबर 1 कंपनी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ क्लेम की, आप साल में जीरो डेप की कितने क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों ICICI लोम्बार्ड में आपको 2 क्लेम मिलते हैं, आप साल में 2 क्लेम ले सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको कॉम्प्रेहेंसिव क्लेम मिले, कॉम्प्रेहेंसिव क्लेम आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन जीरो डेप आपको सिर्फ 2 मिलेंगे यहाँ पर। वहीं बात करते हैं HDFC अर्गो की, तो अनलिमिटेड क्लेम है, साल में जितने मर्जी क्लेम लो, 2 क्लेम, 4 क्लेम, 5, जब आपकी गाड़ी लगे आप क्लेम लेते रहो, कोई समस्या नहीं है। लोम्बार्ड में आपको 2 मिलेंगे, यहाँ आपको अनलिमिटेड मिलने वाले हैं। सर्विस चार्जेस की बात करते हैं तो 5% सर्विस चार्जेस आपसे चार्ज करता है ICICI लोम्बार्ड। वहीं अगर HDFC की बात करें तो वो भी आपसे 5% ही चार्ज करता है। तो दोनों कंपनी में आपको 5% मिलते हैं और दोनों कंपनी में अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपसे हो सकता है कि सर्विस चार्जेस वो नील कर दें या थोड़े से कम कर सकते हैं। बात करते हैं फाइल चार्ज की, तो दोस्तों फाइल चार्ज आपका लगेगा 1,000 रुपये अगर आपकी गाड़ी 1500 cc से कम है। वहीं अगर आपकी गाड़ी 1500 cc से ऊपर है तो आपको लगेगा 2,000 रुपये चार्जेस। तो सेम यहाँ पर है और सेम यहाँ पर है, दोनों ही कंपनियाँ सेम चार्जेस आपसे लेती हैं। CNG LPG की बात करें, अगर आप
एडिशनल सीएनजी लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में और उसको अपडेट करा रहे हैं इंश्योरेंस पर, तो जो भी सीएनजी की वैल्यू होगा उसका 4% आपसे कंपनी चार्ज करेंगी, दोनों ही कंपनियां। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी अपनी गाड़ी में अगर आप ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई अलग से इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराई हैं, तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आप उनको ऐड कराएंगे तभी वो कवर होंगे। तो जो भी उनका उनकी वैल्यू होगा, जो भी उनकी उनके बिल होंगे, उसका 4% कंपनी आपसे चार्ज करेगी। वहीं अगर नॉन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो सेम कंडीशन है, वहाँ पर कंपनी आपसे 4% चार्ज करेगी, दोनों ही कंपनी आपसे 4% ही चार्ज करेंगे तीनों केसेस में, चाहे वो सीएनजी का हो, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हो, या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हो। बात करते हैं नो क्लेम बोनस की, तो नो क्लेम बोनस आपको अप टू 50% मिलता है दोनों ही कंपनियों में। ये गवर्नमेंट का रूल है, पहले साल आपको मिलेगा 0, दूसरे साल 20%, उसके बाद 25%, फिर 35%, 45% और फिर 50%। मैक्सिमम आपको 50% ही मिलता है। अगर आप क्लेम लेते हैं तो वो 0 हो जाता है, अदरवाइज वो बढ़ता रहता है। तो मैक्सिमम 50 जाएगा, 50 के ऊपर अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो भी 50% ही रहेगा, और दोनों ही कंपनी आपको अप टू 50% तक देंगी। अब इन दोनों कंपनियों से या आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं तो ये कंपनियां क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, एक्सीडेंट कवर करेंगी, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट से डैमेज होती है, तो ये दोनों ये कंपनियां कवर करेंगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर होगा कुछ तो कवर करेंगी, बाढ़ आ गई, पानी में आपकी गाड़ी चली गई, पहाड़ गिर गया, मतलब नेचुरल तरीके से अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो फिर वहाँ पर भी दोनों ही कंपनियां आपको कवर करेंगी। बात करते हैं थेफ्ट की, गाड़ी अगर चोरी हो रही है तो भी कंपनी आपको कवर करेंगी, और गाड़ी में अगर आग लग रही है, फायर की बात करते हैं, अगर आग लग रही है तो फिर कंपनी आपको कवर करेंगी, और जो भी खर्चा होगा, जो भी डैमेजेस होंगे आपकी गाड़ी में, तो कंपनी आपको, दोनों ही कंपनी आपको जितना आपका IDV होगा या फिर जितना आपका रिटर्न टू इनवॉइस होगा वहाँ तक कंपनी आपको उसमें पे करने वाली है। अब बात करते हैं नॉट कवर्ड, कंपनी आपको किन किन चीज़ों में कवर नहीं करेंगी। बात करते हैं वेयर एंड टियर, तो वेयर एंड टियर डैमेजेज होते हैं, छोटे छोटे स्क्रैचेस लगते रहते हैं आपकी गाड़ी में, तो ये सब कंपनियाँ नहीं पे करती हैं आपको। आप डेली यूज़ कर रहे हैं, उन डेली यूजेस में आपके जो आपके स्क्रैचेस लगते हैं, जो नुकसान होता है आपकी गाड़ी को, चलाने पर नुकसान होता है, तब कंपनियाँ आपको पे नहीं करती हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव, अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं तो फिर कंपनी आपको कवर नहीं करेगी, जो भी खर्चा आएगा आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करेगी, चाहे वो ICICI लोम्बार्ड हो, चाहे वो HDFC अर्गो हो। वहीं बात करते हैं विदाउट लाइसेंस की, तो विदाउट लाइसेंस अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, या फिर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, या फिर आपके पास या फिर आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो फिर आपको कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी। अगर एक्सीडेंट होता है तो सारा खर्चा आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। उसके अलावा मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब है आप जो गाड़ी यूज़ करते हैं डेली, उस यूजेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है तो कंपनी आपको पे कर रही है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई गियर बॉक्स में वैसे प्रॉब्लम आ गई जो आप डेली गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि चलने पे जैसे 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई तो गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, या गाड़ी में कहीं और कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मूवेबल पार्ट में हो या फिर गाड़ी की बॉडी में हो, कुछ भी हो, कंपनी आपको 1 रुपया सिंगल पे नहीं करेगी। अगर मैकेनिकल फॉल्ट आता है तो कंपनी आपको कुछ भी देने वाली नहीं है। लॉस ड्यू टू वार न्यूक्लियर रिस्क, अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर कोई युद्ध चल रहा है और उसमें आपका लॉस हो रहा है, अगर कोई न्यूक्लियर रिस्क है वहाँ पर आपका लॉस हो रहा है, तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेंगी। ये कंपनी की मर्जी है कि कंपनी चाहे तो पे कर सकती है और चाहे तो ना पे करे, लेकिन आपके लिए लायबिलिटी कंपनी की नहीं बनती। अगर कोई युद्ध चल रहा है किसी कंट्री से, कोई न्यूक्लियर रिस्क है, तो कंपनी पे नहीं करेगी, दोनों ही कंपनियां पे नहीं करेंगी। बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, अगर अपने वाहन का इस्तेमाल आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, रेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे, तो कंपनी आपको सिंगल रुपया भी पे नहीं करेगी, और दोनों ही कंपनी आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करेगी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा अंतर इन फीचर्स में नहीं है, अनलिमिटेड क्लेम आपको यहाँ मिल रहे हैं, 2 क्लेम आपको यहाँ मिल रहे हैं, सिर्फ यही एक अंतर है, बाकी सारी चीज़ें लगभग दोनों ही कंपनी आपको लगभग सेम देती है। अब दोस्तों, बात करते हैं सपोर्ट की, कि जब भी आप कंपनी से इंश्योरेंस ले लेते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करें। तो दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ICICI लोम्बार्ड का कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है 1800-2666। वहीं अगर बात करें HDFC अर्गो की तो 6764-547685, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। आप नई पॉलिसी लेना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, आप रिन्यूअल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आपको पॉलिसी एंडोर्समेंट में आ रही है तो आप कर सकते हैं, क्लेम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई चेंजेस आपको पॉलिसी में कराने हैं तो आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कस्टमर केयर पर एक जो कस्टमर ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर भी कॉल आपको ईमेल कर सकते हैं, ICICI लोम्बार्ड की customersupport@ICICIlombard.com। उसके अलावा बात करते हैं HDFC अर्गो की, तो यहाँ पर आपकी contact@
sdfcargo.com, तो यहाँ पर भी आप कंपनी को ईमेल कर सकते हैं। तो सपोर्ट के केस में दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं या फिर आपको और जानकारी इन कंपनियों के बारे में चाहिए तो आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहीं अगर ICICI Lombard है तो ICICI Lombard.com, लेकिन अगर HDFC Ergo है तो HDFC Ergo.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं इन कंपनियों के बारे में। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो HDFC Ergo और ICICI Lombard के कंपैरिजन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मैं जरूर बताएं। कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मैं जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।